एवं खरीद संपदा से सुशोभित वीर सपूतों के संघर्ष एवं बलिदान से संचित संथाल परगना के इस सांस्कृतिक आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक भूमि से मैं समस्त झारखंड वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। इस पावन अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल सदृश राष्ट्र निर्माता के साथ साथ झारखंड के सभी महान विभूति भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय एवं शहीद विश्वनाथ सहदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के दिन मैं सेना के सभी जवान तथा देश की सीमाओं पर रक्षा में तैनात अन्य सुरक्षा बलों को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं बलिदान का ही प्रतिफल है कि आज हम अमन और चैन की सांस ले पा रहे हैं। आजादी की लड़ाई के समय हमारे पूर्वजों ने एक ऐसे राष्ट्र निर्माण का सपना देखा था जो अपनों के द्वारा गणतांत्रिक पद्धति से शासित हो, जिसमें ना तो आर्थिक विषमता हो, ना ही सामाजिक पिछड़ापन हो। एक ऐसा राष्ट्र जहां सामाजिक न्याय, धार्मिक सद्भाव एवं सहनशीलता जैसे उदार भावनाएं प्रचलित हों। इन सपनों को साकार करने के लिए आज ही के दिन सन 1950 में हमने अपने संविधान को लागू किया था और भारत एक गणतंत्र देश के रूप में विश्व के मानचित्र पर स्थापित हुआ था। हमारी सरकार संविधान की भावनाओं के अनुरूप राज्य के सर्वांगीण विकास एवं जनता के अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा लगन तत्परता के साथ काम कर रही है। हमने एक ऐसे झारखंड के निर्माण का सपना देखा है जो भय, भूख एवं भ्रष्टाचार के साथ साथ अपराध एवं उग्रवाद से मुक्त हो, जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति की बातें भी सत्ता के उच्च स्तर तक पहुंचे, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित हो, कोई भी व्यक्ति पिछड़ा ना रहे तथा सबों का विकास का समान अवसर एवं अधिकार प्राप्त हो सके। विकास की इस यात्रा में हम सभी झारखंड वासियों की सहभागिता चाहते हैं। हमारी सरकार ने अल्प समय में राज्य के कई क्षेत्रों में विकास के लिए गंभीर एवं सार्थक प्रयास किए हैं। सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी दूर करने, आर्थिक सबलता प्रदान करने, प्रशासन एवं विकास की प्रक्रिया में आम जनों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। हम आप सबों के सहयोग से स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। शिक्षा विकास का आधार है। मानव विकास एवं समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील हैं। मुझे आप सबों को यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए शैक्षणिक सूचकांक में विगत वर्ष में राज्य को 29 अंकों का फायदा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल की गई है। इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय
325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल तथा 4091 ग्राम पंचायत आदर्श विद्यालयों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। संथाल परगना में 20 उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण हेतु लगभग 72 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत की गई है। इन विद्यालयों में सभी आवश्यक मूलभूत संरचनाओं के विकास के साथ साथ पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था भी की जाएगी। विगत 2 वर्षों में COVID-19 महामारी के प्रकोप के कारण हमें विद्यालयों को बंद करने हेतु बाध्य होना पड़ा। महामारी में कमी होने की स्थिति में कक्षा 6 से 12 के विद्यालय खोले गए थे, परंतु महामारी पुनः बढ़ने के कारण विद्यालयों को पुनः बंद करना पड़ा है। महामारी की इस घड़ी में भी हमने अपने विद्यालयों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था DG7 कार्यक्रम के तहत की है। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से भी पठन पाठन का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमें ऑनलाइन शिक्षा को और सुगम और कारगर बनाने की आवश्यकता है। राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम उत्साहवर्धक रहा है। मैट्रिक बोर्ड में 96% छात्रों ने सफलता प्राप्त की है, जबकि संथाल परगना परमंडल में कुल 95% ने सफलता हासिल किया है। यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रतिशत रहा है। महामारी की कठिन घड़ी में इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए मैं राज्य के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था हेतु सामग्रियों को विकसित किया जा रहा है। हमने विभिन्न जिलों में 250 विद्यालयों को विशेष रूप से चिन्हित करते हुए प्रायोगिक तौर पर मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने की योजना तैयार की है। इस योजना के फल के आधार पर अन्य विद्यालयों में भी इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसका सीधा लाभ हमारे राज्य के उन बच्चों को मिलेगा जो मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होने के कारण विद्यालय जाना छोड़ देते हैं। आप सब अवगत हैं, संथाल परगना से मजदूरों का पलायन होता है। इन मजदूरों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोविड लॉकडाउन के दौरान इन मजदूरों पर जो बीती वह पूरा देश जानता है, हम सब जानते हैं। इसके पलायन को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। हम इसको बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं। झारखंड इसके लिए प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित प्रवास एवं प्रवासन हेतु सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन आइडेंटिटी कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दुमका, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम में चलाया जाएगा। इसके माध्यम से अगले 18 माह के अंदर झारखंड से मजदूरों के प्रवास से जुड़े सभी समस्याओं का अध्ययन करके एक समग्र प्रवासन नीति तैयार की जाएगी, जिससे भविष्य में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का निदान करने में सुविधा होगी। असंगठित श्रमिकों का निबंधन करने हेतु ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर झारखंड के कुल 80 लाख से अधिक श्रमिकों का निबंधन किया जा चुका है। इसके तहत निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक, घरेलू मजदूर, कृषि श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले एवं अन्य सभी असंगठित क्षेत्रों के मजदूर सम्मिलित हो सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा वर्षों से लंबित रहे रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन संशोधन की कार्रवाई की गई है। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी में अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न नियुक्ति परीक्षा संचालन नियमावली के अंतर्गत
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के रूप में अभ्यर्थियों का मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य किया गया है। झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में इस प्रावधान को शिथिल किया गया है, ताकि राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित होने वाले छात्रों को राज्य सरकार के अधीन नियोजन में दावा सुरक्षित रह सके। सेवा शर्तों के नियमावली के गठन एवं संशोधन के उपरांत अब तक 4142 रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया जा चुका है। युवाओं को प्रशिक्षण देकर निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने SCL जैसी बड़ी कंपनियों के साथ MOU किया है। उसके तहत 12वीं पास छात्राओं को IT सेक्टर में रोजगार देने के लिए प्लेसमेंट लिंकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। टेकबी HCL में योग छात्राओं का चयन कर उन्हें एक वर्ष की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के उपरांत प्रशिक्षित युवाओं को HCL में ही नौकरी मिल जाएगी। झारखंड में आदिवासी युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा अवसर प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्राओं को चयनित कर इंग्लैंड और नॉर्थ आइलैंड में अवस्थित विश्वविद्यालय संस्थाओं में कतिपय कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस वर्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के 7 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। भविष्य में इस योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। एक छात्र पर लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार खर्च कर रही है। राज्य अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित कारखानों, उद्योग संयोग उद्यमियों तथा PPP के तहत संचालित परियोजनाओं में होने वाली नियुक्तियों में 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए करने हेतु झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार का नियोजन अधिनियम 2021 लागू किया गया है। हमारा यह प्रयास बेरोजगारी तथा पलायन की समस्याओं को कम करने में अत्यधिक सार्थक भूमिका निभाएगा। हमने सर्वजन पेंशन की शुरुआत की है, जो सरकार के कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे यह जानकारी मिलती थी कि सीमित लक्ष्य के कारण लाखों की संख्या में जरूरतमंद वृद्धजनों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह देखकर मुझे पीड़ा होती थी। मैंने 2 वर्ष पूर्व यह संकल्प लिया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम इस का स्थायी निदान निकालेंगे। अब हमने यह निर्णय लिया है कि टैक्स नेट के श्रेणी में आने वाले को छोड़कर से सभी वृद्धजन अन्य योजनाओं का लाभ पाने के पात्र होंगे तथा स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रारंभ किए गए आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान इस योजना का लाभ लगभग 3 लाख से अधिक लोगों को दिया गया है। हमारे देश कृषि प्रधान देश है और कृषि अर्थव्यवस्था की नींव भी है। यहाँ कृषि केवल खेती करना नहीं बल्कि जीवन जीने का एक कला है। राज्य में फसल उत्पादन एवं उत्पादक को बढ़ाने एवं उन्नत कृषि
प्रौद्योगिक को प्रदर्शित करने के लिए राज्य के कृषि परिक्षेत्रों की भूमि में कृषक पाठशाला स्थापित करने एवं उनकी परिधि में अवस्थित ग्रामों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु 61 करोड़ रुपए की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषि पाठशाला योजना लागू की गई है। खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान धान अभी अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत 6,00,000 मैट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध 6,25,000 मैट्रिक टन धन की अधिप्राप्ति की गई है। विपणन मौसम 2021-22 में धान अधिप्राप्ति 15 दिसंबर 2021 से प्रारंभ की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों से अधिप्राप्ति धन के 50% का मूल्य का भुगतान धान अधिप्राप्ति के साथ ही किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 110 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में मनरेगा अंतर्गत 885,00,000 अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध में अब तक कुल 927,00,000 मानव दिवस का सृजन किया गया है। मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी के रूप में 225 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। दैनिक मजदूरी के रूप में बढ़ी हुई राशि जो 27 रुपये प्रति मानव दिवस का भुगतान हेतु अब तक राजकोष से 250 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। राज्य के करीब 1,80,000 सखी मंडलों को 3,200 करोड़ रुपये की राशि क्रेडिट लिंकेज के रूप में बैंक से उपलब्ध कराया जा चुका है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आजीविका सशक्त हो रही है। सखी मंडल के 62 प्रकार के उत्पादकों को विशेषकर सरसों तेल, साबुन, मसाले, हनी इत्यादि की बिक्री प्लस ब्रांड के रूप में की जा रही है। इस पहल से करीब 2,00,000 ग्रामीण महिलाओं को लाभ हो रहा है। राज्य में अब तक 159 प्लस मार्ट स्थापित किए जा चुके हैं। इस वित्त वर्ष में करीब 17 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण एवं अन्य उनके कल्याण हेतु प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने राज्य में हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु फूलो जानो आशीर्वाद योजना प्रारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित महिलाओं को आजीविका सशक्तिकरण के लिए 10,000 रुपये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अब तक लगभग 14,000 से अधिक महिलाओं को हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के अन्य साधनों से जोड़ा गया है। हमारी सरकार द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित राज्य के सभी लाभुक परिवारों को वर्ष में 2 बार एक धोती, लुंगी और एक साड़ी 10 रुपये प्रतिवर्ष की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 51,00,000 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। हमने कोरोना महामारी से निपटने के लिए पहले दिन से ही सतर्कता की नीति अपनाई है और कोविड-19 से बचाव हेतु सभी संभव कदम उठाए हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान राज्य से बाहर फंसे अन्य प्रवासी मजदूर, कामगारों, छात्रों को सुरक्षित निकालने को प्राथमिकता दी है। हमारी सरकार के लिए राज्य की जनता उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। वर्तमान में कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन समस्त मानव जाति को फिर से चुनौती दे रहा है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना हमने सीखा ही नहीं। सतर्क रहते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हम तैयार हैं। हमने कोरोना के इस तीसरे लहर में समय से आवश्यक कदम उठाए और राज्य की जनता को सुरक्षित हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए हैं।
कोरोना की इस तीसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु हमने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की है। राज्य के सभी चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी पूर्ण समर्पण एवं सेवा भाव के साथ राज्य की जनता को इस आपदा से निजात दिलाने हेतु दिन रात एक किए हुए हैं। उनके सेवा भाव का ही परिणाम है कि अब तक हमारा राज्य कोरोना की इस लहर को रोकने में कामयाब रहा है। कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में हम तभी सफल हो सकते हैं जब आपका संपूर्ण सहयोग सरकार को प्राप्त होगा। आपसे अपेक्षा है कि कोरोना से बचाव हेतु सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का पालन करें और लड़ाई में हमारा साथ दें। आप लोगों का गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की हमारी कोशिश लगातार जारी रहेंगी। सरकार को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने हेतु हमारी सरकार नई पर्यटन नीति 2021 लेकर आई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को देश के पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र में रोजगार वृद्धि करना, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए राज्य के लोगों के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बनाना भी है। दुमका में 31 करोड़ रुपए की लागत से कल्चर म्यूजियम की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। दुमका जिले के अंतर्गत सुंदर जलाशय योजना के मुख्य नहर की लाइनिंग सहित पुनरुद्वार कार्य हेतु लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रगति पर है। इसके पूर्ण हो जाने से लगभग 3,600 हेक्टर खरीफ एवं 2,000 हेक्टर रवि फसल की सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल हो जाएगी। मसलिया एवं रानेसर प्रखंड में अपेक्षित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु करीब 1200 करोड़ की लागत से मसलिया रानेसर मेगा लिफ्ट योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। शीघ्र ही इस योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। जल ही जीवन है। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के संकल्प पर सरकार सतत प्रयत्नशील है। 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य के लगभग 59 लाख ग्रामीणों को कार्यरत नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध सुनिश्चित कराए जाने का लक्ष्य तय है। इस योजना के तहत हमारी सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में ग्रामीण जलापूर्ति योजना जलापूर्ति हेतु कुल 15,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 61,000 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के विकास में पथों के महत्व को ध्यान में रखते हुए पथों का उन्नयन एवं विकास पर बल दिया गया है। इस वित्त वर्ष में पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 850 किलोमीटर पथ एवं 20 पुल निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस वित्त वर्ष में लगभग 2200 किलोमीटर पथों की राइडिंग क्वालिटी में सुधार तथा मजबूतीकरण का लगभग 600 किलोमीटर पथों की चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य को स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण पथों के निर्माण एवं सुदृढ़करण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य संपोषित सड़क निर्माण योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत लगभग 500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध करीब 1800 किलोमीटर की स्वीकृति दी जा चुकी है। दुर्गम एवं वन आच्छादित जिलों में 776 किलोमीटर के अतिरिक्त सड़कों को स्वीकृत किया गया है। इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में 231 पुल का निर्माण स्वीकृत किया गया है, जिसमें 51 पुल अब तक पूर्ण किए जा चुके हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक गतिविधियों
को विस्तार देने एवं स्थानीय कलाकारों को मंच सुलभ कराने के उद्देश्य से दुमका में 23 करोड़ रुपए की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मार्च 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। गोड्डा में 38 करोड़ की लागत से नए समारोह भवन का निर्माण पूर्णता की ओर है। जामतड़ा में ईवीएम मशीनों की उचित रख रखाव हेतु वेयर हाउस के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। हमारे राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने एवं स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु नई झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए खाद प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योग पर निवेश ध्यान दिया जा रहा है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से TIES स्कीम के अंतर्गत रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के पावन अवसर पर प्रारंभ किए गए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान संपूर्ण राज्य में लगभग 6,727 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 35 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 24.51 लाख आवेदनों का निष्पादन शिविर के माध्यम से ही निर्धारित समय अवधि में कर दिया गया है। शेष आवेदनों का निष्पादन की प्रक्रिया भी अभी जारी है। शासन को जवाबदेह बनाए रखकर आम नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मीडिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ माना गया है। लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली 2021 का गठन किया है। इसके माध्यम से बीमा धारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनके पति पत्नी 21 वर्ष तक की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को ग्रुप मेडिक्लेम के रूप में कुल 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा खर्च की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। राज्य में न्याय और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया है। प्रदेश में फैले विभिन्न माफियाओं एवं अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार के इन प्रयासों से आमजनों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1200 युवक युवती सहायता प्राप्त कर उद्यमी बनने का सपना साकार किया है। आज ये लगभग 4,745 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए हमने इसमें बजट बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस हेतु 100 करोड़ अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जा रही है। राज निर्माण के 20 से ज्यादा वर्षों के बाद भी झारखंड अपने आंदोलनकारियों की सुध नहीं ले पाया है। यह कष्टप्रद है, जिनके कारण आज हम एक राज्य के रूप में पहचान बना पाए हैं, उनके अधिकार और सम्मान के प्रति मैं संकल्पित हूँ। झारखंड राज निर्माण में शामिल आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए पेंशन के साथ साथ सरकारी नौकरियों में 5% का क्षैतिज आरक्षण की योजना को भी हमने लागू किया है। आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपना दौरा भी बलिदानी धरती पीरटांड से प्रारंभ कर दिए हैं। हमने ट्राइबल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य आगे बढ़ा दिया है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से झारखंडी
भाषा संस्कृति लोक कल्याण शोध से संबंधित विषय को बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद है कि इससे आदिवासी समाज एवं झारखंड से जुड़े प्राचीन ज्ञान को संरक्षित रखने के साथ साथ इनके विशिष्ट समस्याओं के समाधान को भी बल मिलेगा। सरकार के दूसरे वर्ष गांठ के अवसर पर मैंने वादा किया था कि गरीब जरूरतमंद दो पहिए वाहन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए 26 जनवरी से 25 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान दिया जाएगा। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में सीएम सपोर्ट योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब एवं जरूरतमंद दो पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रुपये राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आज तक लगभग 1,04,000 लोगों ने निबंधित कराया है। साथ ही इसके अतिरिक्त 73,000 लोगों को का आवेदन स्वीकृत भी हो चुका है। अभी मेरे उद्घाटन करते ही लगभग 40,000 लोगों के खाते में राशि चली जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी कल्याणकारी योजना को हमारी सरकार ने लागू किया है जिनका उल्लेख करना संभव नहीं है। साथ ही साथ अभी बहुत और काम करना भी है। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूं और आह्वान करता हूं कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक ऐसे झारखंड बनाने के संकल्प लें जो उन सपनों और आशाओं के अनुरूप हो। इसके लिए काफी त्याग बलिदान के साथ के बाद इस राज्य का सृजन हुआ। मैं एक ऐसे झारखंडी की परिकल्पना करता हूं जो गरीब बेरोजगारी अशिक्षा एवं भ्रष्टाचार आदि से मुक्त हो, जिसको साकार करने में आप सभी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं तथा हमारे साथ साथ आप भी अपनी वचनबद्धता दिखाएं। आइए हम सब मिलकर राज्य में स्थिरता शांति और समरसता का माहौल बनाएं, सृजनशीलता और सकारात्मक ऊर्जा से राज्य का सर्वांगीण प्रगति उन्नत को अभूतपूर्व गति और ऊंचाई प्रदान करें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।